एक लड़की को अपने फ्यूचर के बारे में पता होता है, उसे लगता है कि उसकी डेथ होने वाली है, इसीलिए एक साथ तीन लोगों के साथ अफेयर स्टार्ट कर देती है। अब इस डेंजरस गेम में आगे क्या होगा, ये आज की हमारी मूवी लंडन फील्ड्स 2018 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी में हम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर निकोला को देखते हैं। वो हमसे कहती है, मुझे जगह पता है, मुझे मोटिव पता है, उसका अब मर्डर होने वाला था। उसे कौन मारने वाला था ये अब तक उसे पता नहीं था। उसने गाड़ी में किसी को देखा और यही पर सीन खत्म हो जाता है। अब फ्लैशबैक में हमें पूरी स्टोरी पता चलेगी। ये स्टोरी हमें एक राइटर बता रहा है, इसका नाम है सैमसन। सैमसन को आजकल नॉवेल लिखने में बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा था, तो इसी वजह से वो लंदन में आ चुका है। लंदन में अपने फ्रेंड दूसरे राइटर के घर पर वो रहता है और ये राइटर उसके घर में न्यूयॉर्क में रहने के लिए चला गया था। इस राइटर का घर बहुत ही अमेजिंग था, जो सैमसन को बहुत अच्छा लगता है। जिस राइटर का एक घर है उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम था कीथ। सैमसन को इस सिटी में घूमने के लिए जरा हेल्प लगेगी, तो कीथ उसे हेल्प करने वाला था। अगर सिटी के बारे में स्टोरी जानने हो तो पब से अच्छा प्लेस कोई भी नहीं होता, तो दोनों पब में आए। पब में आने के बाद कीथ का एक रिच फ्रेंड है जिसका नाम है गाय। गाय और सैमसन दोनों एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं। बात करते करते कीथ ने अपने प्रॉब्लम के बारे में बताया। एक्चुअल में उसने बहुत सारे पैसे लोन कर लिए थे। ये पैसे चुकाने के लिए उसने किसी और से पैसे लिए और ऐसा करते करते उसने बहुत लोगों से पैसे लिए। उसे हमेशा कोई ना कोई मारने के लिए आएगा, इस डर में वो जीता रहता है। अब करंटली उसने जिससे पैसे लिए थे उसका नाम था चिक। वो बहुत ही डेंजरस गुंडा था। कीथ एक्चुअल में डार्ट्स का चैंपियन था। यही सब जब बात कर रहे थे तभी अचानक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की बार में आई। इसका नाम था निकोला और सब आदमी उसके पीछे पागल थे। निकोला को देखते ही कीथ उसे अप्रोच करता है। सैमसन को निकोला में अपनी मेन कैरेक्टर दिखी। गाय को लगता था कि निकोला कभी भी कीथ को भाव नहीं देगी, पर फिर भी कीथ का कॉन्फिडेंस जाता नहीं। निकोला अभी अभी एक फ्यूनरल से आई थी। कीथ निकोला से कहता है कि इस ड्रेस में तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। निकोला भी एक ही टाइम पर गाय और कीथ इन दोनों से बात कर रही थी। सैमसन ने हमसे कहा कि उसी लड़की की वजह से सब कुछ स्टार्ट हुआ था। निकोला अब से निकलती है तो कीथ भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। फ्लावर्स बाय कर उसने उसे गिफ्ट कर दिया। निकोला ने उसे कहा कि अगर ये धूप में आ जाए तो ये मुरझा जाएंगे। ये कहकर वो आगे चली जाती है। कीथ फिर भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक आया। गाय भी निकोला में बहुत इंटरेस्टेड था, तो वो भी उसका पीछा कर वो कहाँ रहती है इसके बारे में जान लेता है। सैमसन सरप्राइज्ड हुआ कि वो जिस बिल्डिंग में रहता है उसी बिल्डिंग में निकोला भी रहती है। अगले दिन सैमसन राइड करने का ट्राई कर रहा था पर उसे कुछ भी लिखा नहीं जाता। उसने निकोला को घर से बाहर निकलता देखा तो उसका पीछा करता है। कुछ ड्राइंग्स और डॉक्यूमेंट्स निकोला डस्टबिन में डालकर आगे चली जाती है। सैमसन सारे डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता है। इस डॉक्यूमेंट्स में निकोला ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। सैमसन को पता चलता है कि जब निकोला छोटी थी तो अपनी फ्रेंड की डेथ के बारे में उसे पता था। जैसा उसने अपने सपने में देखा था उसी तरीके से उसकी फ्रेंड की डेथ हो गई। बाद में उसे अपने पेरेंट्स की डेथ के बारे में सपना आया और जैसा सपने में दिखा था वैसे उसके पेरेंट्स की भी डेथ हो गई। उसे लगता है कि अगर सब लोग उसे छोड़कर चले जाने वाले हैं तो किसी से प्यार क्यों किया जाए। इसमें फाइनली निकोला ने अपने खुद की डेथ के बारे में भी लिखा हुआ था। उसे उसकी डेथ कहाँ होने वाली है, कैसे होने वाली है, ये सब कुछ पता था। ये सब पढ़ने के बाद सैमसन डायरेक्टली निकोला के पास आ गया। वो उसे कहता है कि मैं तुम पर बिलीव करता हूँ, तुमने लिखा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारा मर्डर कौन करने वाला है। निकोला कहती कि मुझे सिर्फ विजन आती है, कल मैं उससे मिली थी पर वो कौन था मुझे पता नहीं है। इसका मतलब है गाय और कीथ इन दोनों में से कोई हो सकता है। सैमसन को इस सारी सिचुएशन में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी दिखती है। उसने निकोला से पूछा, क्या तुम मुझे तुम्हारे बारे में लिखने दोगी? निकोला इसके लिए हाँ कहती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निकोला ने कीथ को बुलाया हुआ था। कीथ को पैसों का प्रॉब्लम था तो निकोला अपने घर में से ओल्ड चीजें जो सेल कर सकता है उसे दे देती है। इसके बदले में उसे कहती है, तुम्हारा जो फ्रेंड है गाय उसे मेरी बात करवा दो। कीथ इससे जरा सरप्राइज्ड हुआ, उसके बाद गाय से मिलने के लिए आ जाता है। उसने उसे बता दिया कि निकोला को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। गाय के घर पर हम देखते हैं कि उसके एक वाइफ और बेटा है। उसका बेटा एबनॉर्मल था और आज पूरे दिन तक उसे उसका ध्यान रखना था, पर गाय कीथ से कहता है तुम इस पर ध्यान रखो और मैं निकोला से बात करता हूँ। निकोला और गाय फोन पर बात कर एक जगह मिलने का फिक्स करते हैं। जो भी हो रहा था ये सैमसन निकोला के घर में रहकर ही देख रहा था। उसे लगता है कि निकोला एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है, दो लड़के और एक लड़की, इसमें कोई ना कोई तो हर्ट होने ही वाला था। निकोला और गाय मिलकर एक दूसरे के बारे में जान लेते हैं। निकोला ने कहा कि मैं इंडिया में एक ऑर्फनेज में काम कर रही थी, वहां पर उसे एक लड़की मिली थी जो उसकी अच्छी फ्रेंड बन गई।
निकोला को फिर से अपनी कंट्री वापस लौटना पड़ा। बाद में उसने जब उस लड़की के बारे में पता किया तो एक अरब ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। अडॉप्ट करने के बाद उसने उसे शादी कर ली और उससे उन्हें एक बेटा भी है। निकोला ने जब उस लड़की के साथ कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की तो उसे पता चला कि वो लड़की वहां पर फंसी हुई है, वहां से वो निकलना चाहती थी। अचानक से निकोला को उस लड़की से कॉन्टेक्ट चला गया था। निकोला उसे लंदन में बुलाना चाहती थी पर ऑफिशियल कुछ इश्यूज आ रहे थे। अब फाइनली निकोला गाय से हेल्प मांगती है, कहती है उसे लोकेट करने में मुझे जरा हेल्प करो। गाय भी निकोला को बहुत पसंद करता ही था तो उसके लिए हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। डिनर करते वक्त निकोला ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ही सेम है, हमें रोमांटिक चीजें बहुत ही पसंद है। आज गाय को उसके साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। सैमसन ये सब देख कर निकोला से कहता है कि तुम्हें मारने वाला गाय होगा, वो तुम्हारे प्यार में पड़ रहा है और प्यार की वजह से ये सब हो सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैमसन और कीत दोनों जब हैंग आउट कर रहे थे तो गुंडा जिसका नाम है चिक उसके पास आया। चिक कीत से कहता है कि जिन भी लोगों से तुमने पैसे लिए थे इन सबको मैंने पे कर दिया है, अब तुम्हें सारे पैसे सिर्फ मुझे देने पड़ेंगे और तुम किसी और से बोरो भी नहीं कर सकते। एक्चुअल में डार्ट की कॉम्पिटिशन में कीत और चिक के दोनों एक दूसरे के कम्पिटिटर थे। अगर कीत पैसे नहीं दे पाया तो चिक उसे हर्ट कर देगा और इस वजह से वही जीतेगा। कीत इस वजह से बहुत बड़े ट्रबल में था। एक दिन कीत की कॉम्पिटिशन देखने के लिए निकोला और गाय ये दोनों एक साथ आए। कीत को जेलस फील कराने के लिए निकोला गाय का हाथ पकड़ लेती है। कीत गुस्सा हो गया और अपने आप को प्रूव करने के लिए ये गेम वो जीत जाता है। अगले दिन कीत को निकोला ने फिर से मिलने के लिए बुलाया। उसे कहती कि गाय मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे उसे $60,000 मिलने वाले है, उसमें से $30,000 तुम्हारे हो जाएंगे, मुझे सिर्फ हेल्प करते रहो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निकोला कीत को भी अपने प्यार में रखने की कोशिश कर रही थी। गाय ने कीत को निकोला के घर से निकलता हुआ देख लिया, वो जरा शक करता है पर बाद में निकोला इस तरीके से प्रिटेंड करती है कि उनके बीच में कुछ हुआ ही नहीं। गाय निकोला से कहता है मैंने तुम्हारे फ्रेंड को ढूंढने का बहुत ट्राई किया पर वो कहीं भी मिल नहीं रहे। निकोला को बहुत बुरा लगा, वो अपनी इयररिंग्स निकालती है और गाय को दे देती है, कहती है कि इनकी वर्थ $60,000 है। ये वैसे उसके और एक फ्रेंड जो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिस में रहता है उसे वो देने वाली थी। उस फ्रेंड ने उस लड़की और उसके बेटे के बारे में पता कर लिया था, उन्हें निकालने के लिए उसे $60,000 लगने वाले है। निकोला ने गाय से ये भी कहा कि मैंने ग्रैंड मदर के थे। गाय कहता है कि वरी मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये इयररिंग्स उसने फिर से निकोला को पहना दी। एक दिन निकोला गाय के सामने प्रिटेंड करती है कि फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर से वो मिल रही है पर एक्चुअल में उसके सर्वेंट को पैसे दे रही थी। ये पूरे $60,000 उसे गाय ने ही दिए हुए थे। सारी चीजों को देखकर सैमसन निकोला को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जी सकती हो, कोई भी चीज लिखी हुई नहीं होती, जो भी कर रही हो सब कुछ बंद कर दो। निकोला कहती कि सब कुछ लिखा हुआ है, वो चाहे तो भी कुछ भी बदल नहीं सकती। हमेशा एक साथ रहते हुए सैमसंग और निकोला भी एक दूसरे के करीब थे। निकोला उसे किस करने की ट्राई करती है पर सैमसंग उसे रोक लेता है। निकोला ने सैमसंग से कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम भी किसी बीमारी से मर रहे हो और इससे पहले नॉवेल कंप्लीट करना चाहते हो, और ये बात सच थी। निकोला कहती कि पहले मैं जाती हूँ, इसके बाद तुम आना, मेरे नॉवेल को कम्प्लीट कर देना। रात में फिर निकोला गाय को कॉल करती है, कहती है कि मैं सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी और हम दोनों फिर से नहीं मिलेंगे। गाय इस बात से डिस्टर्ब हो गया। रात में निकोला से मिलने के लिए कीत आया हुआ था। वो कहता है तुमने गाय से पैसे लिए पर मुझे उसका कट नहीं दिया। निकोला कहती कि तुम्हें सब पैसे मिल जाएंगे, थोड़ी सी और मुझे हेल्प करो। गाय को जाकर कहो कि मैं बहुत ही अपसेट हूँ, लंदन से भी निकल जाने वाली हूँ, वो फिर भागता हुआ मेरे पास आ जाएगा। कितने ऐसा ही किया, सब कुछ चीजें गाय को बता दी और गाय एक्चुअल में निकोला के पास आ जाता है। गाय ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता, उसे बहुत ही लाइक करता था। ये दोनों करीब आ गए और इंटीमेट हो गए। एक रात जब निकोला और सैमसंग जब हैंग आउट कर रहे थे, निकोला उसके पास आ गई, कहती है हमारे बीच कुछ ना कुछ एक बार तो होने ही वाला है, इसे तुम ज्यादा रेजिस्ट मत करो। उसके साथ वही पर वो इंटीमेट हो जाती है। यहाँ पर निकोला गाय कीत और सैमसंग इन तीनों को एक साथ प्ले कर रही थी। अगले दिन निकोला कीत को डिस्टर्ब करने के लिए डायरेक्टली उसके घर पर आ जाती है। कीत के वाइफ के सामने कहती है कि मैं चाइल्ड सपोर्ट से हूँ, घर का इंस्पेक्शन करना चाहती हूँ। कीत इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और निकोला को बाहर लेकर आता है। उसने कहा कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। निकोला कीत के पैसे उसे दे देती है। निकोला हमेशा कीत को रिझाती है और दूर कर देती है। पैसे लेकर कीत जब जा रहा था तो अचानक से कीत और उसके आदमी उसे उठवा लेते हैं। अब उसे वो मारने वाले थे पर कीत ने उसे सब कुछ पैसे दे दिए। आज इनका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है
जिसे नेशनल कवरेज मिलने वाला है। कीत के इस कॉम्पिटिशन में गाय भी आया हुआ था। कीत का एक फ्रेंड गाय से बात करता है और कहता है कीत का आजकल अफेयर चल रहा है। इसके बारे में गाय को और भी पता चला तो रियलाइज करता है कि निकोला ही है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। घर पर सैमसंग अपनी राइटर फ्रेंड की बुक्स देख रहा था तो उसमें उसे कुछ फोटोज मिलती है। उसका राइटर फ्रेंड और निकोला जब एक साथ है तब की फोटोज है। इस बात की वजह से सैमसंग भी हर्ट हो गया। गाय डायरेक्टली निकोला के घर पर पहुंच जाता है तो वहां पर कीत ऑलरेडी था। उसके जाने के बाद गाय ने निकोला से पूछा कि यह कर क्या रहा था। निकोला कहती कि मैं उसे टीच कर रही हूँ। गाय उस पर शक कर पूछता है कि उसने तुम्हारे साथ किया क्या है। निकोला ऐसा दिखाती है कि इस बात से वो बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई। उसने कहा कि तुम ऐसी बात कर भी कैसे सकते हो। गाय को ही गिल्टी लगता है कि उसने निकोला पर शक किया। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। गाय कहता है कि मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूंगा और फिर हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। सुबह सैमसन निकोला के पास आया, कहता है कि मेरे राइटर फ्रेंड ने तुम्हारे बारे में लिखा नहीं था। निकोला कहती कि मुझसे डरता था, बिना स्टोरी कंप्लीट किए वो भाग गया। एक्चुअल में निकोला सैमसंग के राइटर फ्रेंड से बहुत प्यार करती थी। निक्सन में गाय ने अपनी वाइफ को उसके अफेयर के बारे में बता दिया। उसे उस अफेयर से ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अब निक्सन में हम देखते हैं कीत के फाइनल कॉम्पिटिशन का डे आ चुका था। निकोला ने गाय को एक बुक भेजा जिसमें के कैरेक्टर्स के नाम और निकोला के फ्रेंड के नाम दोनों सेम थे। गाय समझ गया कि निकोला ने उसे फंसाया हुआ है। सब कुछ बातें उसने उसे जो कही थी ये सारी झूठ थी। इस सब के बाद गाय को बहुत बुरा लगा। आज रात वो गाय को छोड़कर कीत को सपोर्ट करने के लिए उसके साथ वो डार्ट के कॉम्पिटिशन में आई हुई थी। चीक निकोला को नोटिस करता है, उसे वो बहुत अच्छी लगी। कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने के बाद निकोला गाय के सामने चीक के साथ फ्लर्ट कर दिया। ये देखकर कीत डिस्टर्ब हो गया। वो अपने कॉम्पिटिशन में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता और हार जाता है। निकोला को कन्फर्ट करने के लिए गाय भी यहाँ पर पहुंच गया था। हम देखते हैं कि निकोला के लिए गाय, कीत और चीक ये तीनों लड़ रहे थे। ये सब बहुत ज्यादा गुस्सा थे। कीत जाकर अब निकोला को मारने वाला था पर गाय उसे रोक लेता है। बातों बातों में इन दोनों की फाइट भी हो गई। गाय उसी कार में बैठा था जहां पर निकोला की डेथ होने वाली थी। सैमसंग गाय के पास आया और कहता है कि यहां से चले जाओ, तुम जो भी करने वाले हो ये गलत है। गाय कहता है कि उसने मेरा बहुत बुरा हाल किया है। सैमसंग फिर भी उसे समझाता है और गाय वहां से चला गया। निकोला जब घर आई तो गाड़ी देखकर उसमें बैठ जाती है। उसने सैमसंग को देखा और कहा कि हमेशा से तुम ही थे जो मुझे मारने वाले थे। सैमसंग निकोला से बहुत प्यार करने लग गया था। उसे लगता है कि गाय और कीत अगर इन दोनों में से किसी ने उसे मार डाला तो इसकी बुक की एंडिंग परफेक्ट नहीं रहेगी। निकोला की डेथ अगर उसे जो प्यार करता है उसके हाथों से हुई तो परफेक्ट एंडिंग होगी। तो इसी वजह से सैमसंग ने निकोला को गाड़ी में आने के बाद मार डाला। सैमसंग निकोला को मारकर घर पर लेकर आया। इसके बाद जो भी हुआ था ये सारी स्टोरी उसने लीक डाली। ये स्टोरी अपने पास रखकर गोलियां लेकर और निकोला के पास ही सुसाइड कर लेता है। इसके बाद सैमसंग का राइटर फ्रेंड घर पर आया। उसने सैमसंग का बुक देखकर उसे पब्लिश कर दिया। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारे मूवीज लेकर आते रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।